नमस्कार, मैं हूँ सेजराज और आज हाजिर हूँ आपके सामने 20 अप्रैल का इतिहास लेकर के। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन जिन शख्सियत का जन्म हुआ। आज के दिन 1592 में अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन एलियट का जन्म हुआ था। आज के दिन 1878 में उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1889 में जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था हंगरी में, ऑस्ट्रिया में। और तानाशाह माने जाते हैं चांसलर थे, नाजी पार्टी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने कहा था या तो जो है नाजीवाद जो है जर्मनी या तो विश्व शक्ति बनेगा या फिर नहीं रहेगा, इन्होंने ये कहा था। और इनके बारे में प्रसिद्ध रोचक तथ्य भी माने जाते हैं, जानवरों से इनको बहुत लगाव था, क्रूरता के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और धूम्रपान के विरोध में भी थे। और आइए अगले के बारे में जानते हैं। तो आज के दिन 20 अप्रैल 1914 को गोपीनाथ मोहंती, उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1920 में ज्योतिकर रॉय, प्रसिद्ध भजन गायिका, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आज के दिन 1924 में चंद्रबली सिंह, एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक भी थे। आज के दिन 1950 में चंद्रबाबू नायडू, प्रसिद्ध राजनेता एवं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने 8 जून 2014 को विजयवाड़ा के करीब 18 किलोमीटर दूर नागार्जुन नगर में आयोजित एक समारोह में तेलंगाना के अलग होने के बाद बने गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 1 सितंबर 1995 से 13 मई 2004 तक 8 वर्ष 8 महीने और 13 दिन मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। और 20 अप्रैल 1950 को उनका जन्म हुआ था। 1975 में युवा कांग्रेस में शामिल हुए और 78 में पहली बार अपने पैतृक चंद्रागिरी सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे चंद्रबाबू जी, और मुख्यमंत्री पद पर जो है बने हुए हैं। और आइए अब जानते हैं अगले जन्म के बारे में। तो आज के दिन 1965 में मुकुल संगमान मेघालय के मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1972 में ममता कुलकर्णी, भारतीय अभिनेत्री, इनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1895 में मलिक गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और आइए अब जानते हैं आज के दिन निधन, जिनकी मृत्यु हुई, जो रुक्षत हुए। तो आज के दिन 1911 में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, इनका निधन हुआ था। और आज के दिन 1947 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, इनका निधन हुआ था। आज के दिन 1960 में पन्नालाल घोष, भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक, इनका निधन हुआ था। और आज के दिन 1970 में शकील बदायूनी, भारतीय गीतकार और शायर, इनका भी आज के दिन निधन हुआ था। आज के दिन 2004 में कोमल कोठारी, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थानी लोकगीतों व कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित थे, कोमल कोठारी, इनका भी आज के दिन निधन हुआ था। और आज के दिन आयरिश उपन्यासकार ब्रेम स्टोकर, इनका निधन हुआ था 1912 में। और आइए अब जानते हैं आज 20 अप्रैल के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। तो फायर सर्विस सप्ताह चल रहा है और डॉक्टर हैनीमैन जन्म दिवस, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता, यह दिवस आज के दिन यानी 20 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। और एक चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन, ये हैं। यह चिकित्सा की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार औषधियाँ उन रोगों से मिलते जुलते रोग दूर कर सकती हैं जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती हैं। औषधि की रोग हर शक्ति जिससे उत्पन्न हो सकने वाले लक्षणों पर निर्भर है, जिन्हें रोग के लक्षणों के समान किंतु उनसे प्रबल होना चाहिए, ये होम्योपैथी थी। विद्वान होम्योपैथी को छद्म विज्ञान मानते हैं और इनके जनक जो है हैनीमैन को माना जाता है, जो आज के दिन इसका दिवस होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन को। और आइए अब जानते हैं अगली आज के दिन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज के दिन 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। आज के दिन 1946 में लीग ऑफ नेशंस को भंग किया गया था। और आज के दिन 1971 में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता था। आज के दिन 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। और आज के दिन 1999 में जर्मन के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित हुए थे। और आज के दिन 2006 में भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी। और आज के दिन 2008 में महाराष्ट्र भाजपा के नेता व राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और आज के दिन 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 20 अप्रैल 2011 बुधवार को 3 उपग्रहों की सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था। और आज के दिन 2012 में अमेरिकी मीडिया ने भारत की Agni-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है। आज के दिन 2011 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV इन तीनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और देखते रहिए KBS की जोन, कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे 21 अप्रैल का इतिहास लेकर के। तब तक शेषराज को दीजिए इजाजत और खुश रहिए, अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।